नमस्कार, बोंगोज एट योर फिंगर टिप्स के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम एक बिल्कुल डिफरेंट एक्सरसाइज डिस्कस करने जा रहे हैं और इस एक्सरसाइज, ये भी बेस एक्सरसाइज है, बिल्कुल बेसिक एक्सरसाइजेस हैं बोंगोज की। एडवांस एक्सरसाइजेस आपको बाद में, जैसे जैसे हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे तो मैं आपको एडवांस एक्सरसाइजेस के बारे में बताता चला जाऊँगा। तो इस एक्सरसाइज में भी हमारा टाइमिंग फिलहाल वही रहेगी, 1 2 3 4, 1 2 3 4। मेरे साथ प्रैक्टिस करो, 2 3 4, 1 2 3 4। आइए देखते हैं ये एक्सरसाइज कैसे बजेगी। इस एक्सरसाइज में हम 1 और 2 यहां बजाएंगे, 3 और 4 यहां बजाएंगे। दोबारा से देखते हैं, इस एक्सरसाइज में 1 2 3 4, तो 1 और 2 इधर बजेंगे, 3 और 4 इधर बजेंगे, छोटे हैं तो। हम शुरू करते हैं उसी टाइमिंग से, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते हैं हम, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3
One, two, three, four, 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 one,
वही दोहराते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और वही प्रैक्टिस हमने करनी है जब हमारी इस एक्सरसाइज पे कमांड हो जाए, तो उसके बाद ये एक्सरसाइज है हमारी 6, तो 6 और 1 बजाने हैं इकट्ठे, 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक। तो ऐसे ही बजाने हैं। इन एक्सरसाइज को हम कैसे याद करें या कैसे याद रखें, तो इन एक्सरसाइज को लिखने का एक आसान तरीका मैं आपको अभी बोर्ड पर समझाता हूँ। आप ये सारी एक्सरसाइजेस लिख लीजिए। आप देख सकते हैं मैंने ऊपर लिखा है बोंगोज एट योर फिंगर टिप्स। तो ये हमारी बोंगोज है और ये एक्सरसाइज नंबर 1 है। आर एल आर एल, आर स्टैंड फॉर राइट, इस हाथ से बजाना है। एल स्टैंड फॉर लेफ्ट, तो इस फिंगर से बजाना है, ठीक। जिसके ऊपर ऐसे सर्कल बना हुआ है, इसका मतलब है कि उसको हमने बड़े हेड पे बजाना है। अगर आर के ऊपर सर्कल है तो इसका मतलब आर इस हेड पे बजेगा, और एल के ऊपर सर्कल नहीं है तो वो इस हेड पे बजेगा। तो पहली एक्सरसाइज है आर और अल्टरनेट हैंड से 1 2 3 4, तो ये हमारा 1 इससे बजेगा राइट हैंड साइड बड़े वाले हेड पर और ये छोटे हेड पर। उसके बाद एक्सरसाइज है 2, जिसमें सिर्फ राइट हैंड को हमने इस पे बजाना है। सो 1 2 3 4। इसके बाद है हमारी थर्ड नंबर एक्सरसाइज, जिसमें हमें सिर्फ 3 नंबर बीट को 1 2 3 4, थर्ड नंबर बीट को हमने बड़े वाले हेड पे बजाना है। तो 1 2 3 4, और ये हमारी फोर्थ एक्सरसाइज है जिसके ऊपर कोई भी सर्कल नहीं लगा हुआ, ऐसा स्मॉल सर्कल, तो इसका मतलब इसको छोटे हेड पे चारों बजेंगे 1 2 3 4। और ये हमारा पांचवा है जिसमें सारे के हर बीट के ऊपर सर्कल लगे हुए हैं, तो ये सारा 1 2 3 4, ये सारे हमारे बड़े हेड पे बजेंगे। और 6 नंबर एक्सरसाइज है हमारी 1 और 2, जो 1 और 2 बीट है उनके दोनों के ऊपर सर्कल है, तो इसका मतलब 1 2 3 4 1 2 3 4, इस तरह से बजेगा। और इनको कंबाइन कैसे करना है, पहले एक एक्सरसाइज लीजिए, एक के साथ 2, एक के साथ 3, एक के साथ 4, एक के साथ 5 नंबर एक्सरसाइज और एक के साथ 6 नंबर एक्सरसाइज। तो ये आपको 8 बीट का एक्सपीरियंस देगी। इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 2 लीजिए, 2 के साथ 1, 2 के साथ, चलो 2 भी ले लो, ये भी ले सकते हैं, 2 के साथ 3, 2 के साथ 4, 2 के साथ 5, 2 के साथ 6 एंड सो ऑन। फिर नंबर 3 लेनी है तो 3 के साथ 1, 3 के साथ 2, 3 के साथ 3 भी ले सकते हैं, और 3 के साथ 4, 3 के साथ 5, 3 के साथ 6। तो इस तरह से आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ये तो मैंने अगर 3 तक लिया है, फिर 4 के साथ 4 4 1 4 2 4 3 4 4 5 4 6 4, देन इट विल बिकम 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, देन 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। तो कितनी एक्सरसाइज होगी टोटल, ओवरऑल 36 एक्सरसाइज हमारी हो गई। और 36 एक्सरसाइज जब आप स्पीड से बजाएंगे और आगे पीछे करके बजाएंगे, ये मैं आपको बेसिक भी दे रहा हूँ, और आगे चल के आपको जब सोलो बजाना है
तो जब सोलो बजाने के लिए हमें बहुत सारी एक्सरसाइज चाहिए होंगी, हमारी टिप्स के ऊपर हमें बहुत सारी एक्सरसाइजेज याद होनी चाहिए, तभी हम बोंगो सोलो अच्छा बजा सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जितने भी वीडियोस बोंगोस के ऊपर हैं उसमें से एक भी सिस्टमेटिक नहीं है, यूट्यूब के ऊपर एक भी सिस्टमेटिक बोंगोस के ऊपर स्टूडियो जो वीडियो है वो नहीं है। तो अगर आप सिस्टमेटिक बोंगो सीखना चाहते हैं तो आपको हर रोज़ कम से कम अभी से 1 घंटा रोज़ प्रैक्टिस करनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।